कबाड़ के सामान से लाखों रुपए की कमाई। जी हाँ, ये कहानी है एक लड़की के जज्बे की। आपने ऐसा कम ही सुना होगा या देखा होगा कि आज की युवा पीढ़ी लाखों के सैलरी पैकेज को छोड़कर समाज को बदलने के लिए चली गई हो। अगर नहीं तो आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी ही एक लड़की की कहानी, बनारस की बेटी की कहानी, जिसने प्रण लिया, निश्चय किया कि गंगा और काशी की सड़कों को कबाड़ से मुक्त करना है, स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस कबाड़ को आप और हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं, उसी कबाड़ से अब ये बेटी लाखों कमा रही है। ये कहानी एक ऐसी लड़की के जज्बे की है जिसने लाखों का पैकेज छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उसे अपने शहर को साफ सुथरा रखना था। ये कहानी है बनारस के रहने वाली शिखा शाह की। शिखा की स्कूलिंग तो वाराणसी में ही हुई हाई एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन उन्हें दिल्ली जाना पड़ा जहां से उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस कोर्स के बाद उन्हें रिलायंस फाउंडेशन में नौकरी मिली, लेकिन बनारस की बेटी के अंदर उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और इसी दौरान जब बनारस आने का मौका मिला तब वहाँ की गंदगी देख कर मन में ये ठान लिया कि इसे साफ सुथरा करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। सब कुछ छोड़ के बनारस में आने का फैसला कर लिया, लेकिन कुछ न कुछ व्यवसाय तो करना ही था और सोच भी लिया। और इसकी शुरुआत घर से हुई, घर में रखे हुए बिखरे सामान को रीडिज़ाइन करने से हुई। रीडिज़ाइन करके पहले पड़ोसियों को देना शुरू किया, रिश्तेदारों को देना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे यह एक बिजनेस का रूप लेता चला गया। इस काम को अकेले करना बहुत आसान नहीं था, तो एक टीम बनाई। टीम में पेंटर थे, कार पेंटर और कुछ महिलाओं को जोड़ा गया। और इन सब को जोड़कर मिलाकर जिस टीम को बनाया गया उसका नाम रखा गया स्क्रैप शाला। स्क्रैप शाला ने किस तरह से तरक्की की, किस तरह से धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा, शुरुआती दिन कैसे संघर्ष के रहे, किस तरह से संघर्ष करना पड़ा, किस तरह से लोगों को, रिश्तेदारों को समझाना पड़ा, उनको कन्विंस करना पड़ा, ये चुनौती बहुत आसान नहीं थी। लेकिन अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से शिखा ने इन तमाम चुनौतियों से पार पाया। और किस तरह से इसके गठन में, किस तरह से इसको बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आप शिखा से ही सुनिए। स्क्रैपशाला हमने 3 साल पहले वाराणसी में स्टार्ट किया था। तब तो हमने सिर्फ 2 आर्टिस्ट रखे थे क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारे प्रोडक्ट्स बनारस जैसे सिटी में कौन खरीदेगा। तो हमने कुछ एम्प्टी बॉटल से अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जो पुरानी ग्लास की बॉटल्स होती हैं उस पर हमने पेंट करवाया और हमने कुछ रेस्टोरेंट्स को दिया कि अगर वो इसमें पानी सर्व करके आगे देना चाहें। तो ऐसे धीरे धीरे हमने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और बेसिकली हम अपसाइक्लिंग करते हैं, जो कि एक पुरानी या अनयूज्ड सामान में वैल्यू एडिशन की तरीका होता है। तो इसमें हम लाइवलीहुड भी क्रिएट कर रहे हैं आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट हैंडक्राफ्टेड हैं और क्योंकि हैंडक्राफ्टेड है ये सारे ओपन टू कस्टमाइजेशन भी हैं। तो जो कैफ़े ओनर्स हैं या जो अपने घर बना रहे हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो अपने थीम के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स कस्टमाइज़ करा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रोज़ ही कुछ नया बनाते हैं और अपसाइक्लिंग में हम 6 से 7 कैटेगरी ऑफ वेस्ट में अभी डील करते हैं। प्लास्टिक हो गया, रबर, टेक्सटाइल, कार्डबोर्ड्स, मेटल स्क्रैप हो गया, ओल्ड वुड हो गया, टायर्स हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें अभी हम काफ़ी मेहनत लगती है अपसाइक्लिंग में। इनफैक्ट अपसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स का कई बार प्राइस इसलिए एट पार होता है कमर्शियल प्रोडक्ट से, क्योंकि एक पुराने सामान को, या जैसे कि आप पुरानी लकड़ी ले लीजिए, तो उसमें से कील निकालना, उसको साफ़ करना, उसमें जितने होल्स हैं उसको वापस से बंद करके फर्नीचर बनाना, तो हो सकता है कि वो काम प्लाईवुड या एक नई लकड़ी से और जल्दी हो जाए। बट क्योंकि हम एक पुरानी वस्तु को नया जीवन दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। पेंटिंग में भी यही है, अगर हम एक बॉटल को अपसाइकिल कर रहे हैं तो उसको क्लीन करना, स्टेरिलाइज करना काफ़ी समय ले लेता है। एक
सुना आपने, शिखा का कहना है कि जिस कबाड़ को हम फेंक देते हैं वह घरों की शोभा बढ़ा सकता है। जब हम प्रकृति से चीज़ें ले सकते हैं तो उनको वापस इस्तेमाल करके प्रकृति को हानि न पहुंचाकर प्रकृति को तोहफा भी दे सकते हैं। शिखा का मानना है कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर स्वच्छता को आगे बढ़ाने में हमें अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है तो उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी बहुत लंबी है, ये कहानी संघर्ष की और जज्बे की है। हम आपको इस कहानी के साथ और इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप इस स्क्रैप शाला को देखिए और देखिए कि किस तरह से कबाड़ के सामान से इतनी सुंदर और आकर्षक चीज़ें बनाई जा सकती है। ये जितने सुंदर सामान आपको दिख रहे हैं ये सब कबाड़ के सामान से बनाया गया है। इसकी खूबसूरती और सुंदरता देखकर शायद आपके लिए इस पर विश्वास कर पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन सच यही है, कबाड़ के सामान से इतनी सुंदर चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। तो अब हम आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के सहारे। इन तस्वीरों को देखिए, आनंद लीजिए और सोचिए कि एक लड़की के सपने से, एक लड़की के मेहनत से, संघर्ष के जज्बे से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
मैं कन्हैया यादव, मैं इस क्रेपशाला में काम करता हूँ और मैं फुलवरिया कैंट से आता हूँ। वैसे हम लोगों की जो अपनी सोच है हम लोगों के काम करने का, या हमारी जो ये कंपनी का स्थापना हुई है, हम लोगों का काम है कि पहले शहर के जो गंदगी है या वेस्टेज चीज़ें लोग रख रहे हैं तो उससे तमाम गंदगियाँ फैल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंपनी में वो वेस्टेज चीज़ें हम लोग के कंपनी में आती है जब हमारी इस क्रैपशाला की टीम में, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि पुरानी चीज़ों का एक नया रूप देना, और वेस्टेज चीज़ जो सड़ रहा है, गल रहा है या ख़राब हो रहा है, उससे तमाम गंदगियाँ फैल रही है, तो उससे गंदगी भी नहीं हो रहा है और हम लोग उसे एक नया रूप दे के मार्केट में उसको एक तरह से प्रेजेंट भी कर रहे हैं, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। ज़्यादातर तो हम लोग कोशिश हम लोग यही है, और हम लोग की जो डिजाइनिंग है वो घर की डेकोरेशन के लिए ज़्यादा है, और रेस्टोरेंट कैफ़े में भी इसके यूज होते हैं। और जहाँ तक हमारी दीदी हैं शिखा शाह जी, तो उनके ऑर्डर भी आते रहते हैं रेस्टोरेंट के ऑर्डर में, तो वहाँ भी हम लोग अपनी डिजाइनिंग करते हैं, और यही सब चीज़ें हैं जो लगाते हैं, लोगों को पसंद भी आता है। और जैसे पेंट के डब्बे हुए, जो एशियन पेंट के डब्बे होते हैं, तो वो खाली होता है, लोग फेंकते हैं या तो उसको बेचा जाता है, तो हम लोग भी उसको मनी प्लांट में भी यूज करते हैं। और भी वाइन वाइन के बॉटल हैं, वो सब भी हम लोग पेंटिंग करके उसको यूज में लेते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मान के चलिए कि पुरानी चीज़ों के रिसाइकिल, मतलब कि पुरानी चीज़ों का नया रूप दे देना, और लोगों को वो पसंद आ रहा है, हम लोगों की कोशिश है कि उससे और भी अच्छा आगे हम लोग बना के देंगे, जिससे कि लोगों को पसंद आए। टेबल पे